चिरवाताल थाना क्षेत्र के नवापार में मुंबई से आए एक बुजुर्ग की मौत हो गई। जब मृतक बुजुर्ग की जांच की गई तो वह कोविड-19 पॉजिटिव निकला। सूचना पर पहुंची प्रशासन की टीम ने पूरे गांव को सील करके प्रक्रिया शुरू कर दी। गौरतलब है कि जंगल नंदलाल सिंह टोला नवापार निवासी बुद्धिराम पुत्र राम प्यारे उम्र लगभग 60 वर्ष 10 मई को मुंबई से गांव के अन्य 11 लोगों के साथ ट्रक से 14 तारीख को गांव पहुंचे थे। शनिवार की रात को तबियत खराब होने पर रविवार को परिजन एम्बुलेंस से मेडिकल कॉलेज लेकर गए, जहां उनकी मौत हो गई। सूचना पर हरकत में आया प्रशासन की टीम ने पूरे गांव को सील कर दिया। इस दौरान एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल, एएसपी विकास कुमार, एसपी नॉर्थ अरविंद कुमार पांडे, सीओ कैंपियरगंज दिनेश सिंह सहित तमाम फोर्स गांव में पहुंच गई और अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। इस संबंध में एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि अब गोरखपुर शहर में रसूलपुर, अजय नगर, झरना टोला और नवापार सहित 4 हॉट स्पॉट हो गए हैं। इन सभी इलाकों को सील कर दिया गया है। सील किए गए इलाकों में सभी पास निरस्त कर दिए गए हैं। इन क्षेत्रों में अभी आवश्यक सामग्री की होम डिलीवरी की जाएगी। एसडीएम सदर ने लोगों से अपील की है कि सतर्कता बरतें और घरों में रहें, सुरक्षित रहें। इस संबंध में टेलीफोन पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसडीएम सदर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा, घर के बाहर निकलेंगे तो 15 दिन तक भेज देंगे तुमको। बच्चों को अपने अंदर रखिए, घर के अंदर आप सब लोग, ये सब लोग जो है आपको बताइएगा, मुंह में मास्क लगा के रखिएगा, कुछ ढक के रखिएगा। बहुत गंभीर वायरस है, समझने की कोशिश करें। दिक्कत हो जाएगी पूरे गांव को, पूरे परिवार को। चलो करवा लेते हैं, देखते हैं, कुछ देख करा से पानी देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं, ऑपरेशन मारो, देखते हैं, देखते हैं, हाँ करवा सकते हैं, देखते हैं, आपको फोन करेंगे, आपको फोन करेंगे, फोन करेंगे आपको। अच्छा ही पड़ोसी अगर हमारा लास्ट में ऊपर तीन लोग जाने का जगह में कितने लोग बचेंगे? आना किसी को नहीं आएगा। उसमें बुद्धिराम साहनी था जो 13 तारीख को आया था, उसको आज अचानक दर्द उठा और वो मुरियाडी मेडिकल कॉलेज में गया और वहाँ उसकी मृत्यु हो गई। तो उसका जब सैंपल लिया तो उसका पॉजिटिव पाया गया। तो इसी संदर्भ में जो नवापार थाना है, नवापार गांव है, चिरवाताल थाना अंतर्गत चरगांव ब्लॉक में, उसके घर को और पूरे गांव को हमने हॉटस्पॉट में तब्दील करते हुए सील कर दिया है। मौके पे हम लोग सब गए थे, मैं था, चिरवाताल थाना इंचार्ज एएसपी विकास और चरगांव ब्लॉक वीडियो पवन, ये सब थे। तो वहां पे सैनिटाइजेशन का काम किया और वही जो प्रोटोकॉल रहता है आवश्यक हॉटस्पॉट में क्या क्या होना चाहिए, इसके आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सारा गांव को कंटेनमेंट जोन में लाके बैरिकेटिंग का कार्य जारी है। अब कि पूरा गांव हॉटस्पॉट में तब्दील हो गया तो आवश्यक वस्तुओं की जो भी आपूर्ति होगी वो ऑनलाइन माध्यम से, वो डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से की जाएगी घर घर जाके, इसी संबंध में बताया गया। तो अब हमारे जो तहसील सदर में हॉटस्पॉट कंटेनमेंट एरिया की संख्या 4 हो गई आज।